बहुत ज्यादा खूबसूरत है आप। इसके Thank पीछे you. का क्या राज है? रविशंकर ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्यार दें उनको, ठीक है? बाय गाइस, मैं तो सब पहले भी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अभी हम आए हुए हैं गोल्डन गार्डन, यहाँ पे गोल्डन गार्डन, हाँ वही गोल्डन गार्डन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग वूटिंग होता रहता है, बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे एक्टर्स मॉडल्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है, बाहर शूट भी हो रहा है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और कुछ एक्टर्स लोग से भी आप लोगों को मिलाऊंगा। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो हम लगे रहिए वीडियो में। अच्छा, लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो का लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस, आप लोगों को मैं दिखा दूंगी, यही है वो गोल्डन गार्डन जिसके अंदर अभी हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं इस तरीके का कुछ लोकेशन है। और आप लोगों को तो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उधर शूटिंग चल रहा है अभी, तो चलिए उधर चलते हैं और शूटिंग आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अंदर का लोकेशन कुछ इस तरह सा है, और मतलब अभी शूटिंग है जो कि बाहर में चल रहा है, तो बाहर में भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाहर में शूट किस तरीके से हो रहा है। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और बाहर आप लोगों को दिखाते हैं शूटिंग, और कुछ लोगों से भी आप लोगों को मिलवाते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गाने का शूटिंग हो रहा है, और यहाँ पे नेहा सिंह है, बहुत सारे एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, सब सेटअप लगा हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। वीडियो बनाएंगे, नहीं, वीडियो बनाएंगे, खाली वीडियो बनाते रहते हैं यहाँ पे तो। हाँ, तो वीडियो हमका हमारा काम है क्या है। तो फाइनली गाइस, अभी आप लोग देख रहे थे कि अभी हम शूटिंग वूटिंग का थोड़ा सा लोकेशन दिखाएं, और उसका मेन मॉडल देखिए, उस दिन बोले थे कि आपका बहुत छोटा सा है, लेकिन आज बड़ा वाला माइक लेकर आए, आज इंटरव्यू नहीं दिए, आज ब्लॉग ही बना लेते हैं भाई, क्या करें, बहुत सारे यहाँ पे मॉडल है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिए एक मॉडल यहाँ पे, क्या नाम है आपका? एक्ट्रेस श्रुति स्वीटी सोनल 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 हाँ। अच्छा, तो आप भोजपुरी में कब से हैं? एक साल दो साल हो गया। एक साल दी दो साल है? दो साल हो गया। पहली बार आप किन के साथ काम किए थे भोजपुरी में? सभी लोग के साथ काम किया। नहीं, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम अभी न्यू सिंगर था, उन लोग के साथ काम किए थे, फिर उसके बाद गुंजन सिंह के साथ काम किए। गुंजन सर के साथ है, कौन सा गाना आप किया? होली का भी बहुत सा गाना है, आप देखिएगा सर्च कीजिएगा तो बहुत आ जाएगा। आपके साथ का है? हाँ, होली का भी निकला भी है। गाइस, अब क्या बताएं, उधर गाना बज रहा है और गाना रिकॉर्ड हो जाएगा तो मेरे पे कॉपी राइट आ जाएगा, कंफर्म है। लेकिन चलिए, गाना बंद हो चुका है, लेकिन गाना बंद किया क्या? अभी शूट चल ही रहा है, अभी यहाँ पे शूटिंग चल रहा है, चलते रहेगा, गाना चालू रहेगा, बंद रहेगा। तो कहने का मतलब है कि भोजपुरी में काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है? अच्छा भी लगता है, बॉलीवुड में भी काम करना उससे ज्यादा अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब आप कहाँ से बिलोंग करती हैं वैसे? पटना से। पटना से, बहुत ज्यादा खूबसूरत है आप। इसके पीछे का क्या राज है? बस माँ का राज है, मम्मी को सुंदर इतना बनाई है कि सब लोग यही पूछते हैं कि कुछ राज है, कुछ राज है, कुछ तो राज जरूर है कि आप कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, एक तो बात है कि नेचुरल जो होता है ना, वही आपका, मतलब हम देख रहे हैं नेचुरल ही आपका चेहरा है। हाँ, कुछ लगाने ना ज्यादा हैवी मेकअप करते हैं ना ज्यादा कुछ, तो मतलब राज जो है ये मम्मी पापा की कृपा है, आशीर्वाद है, अच्छी बात है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं? मैं अभी क्या बोलते हैं 11th में हूँ। अच्छा, अभी पढ़ रही हैं? यस, स्टडी कर रही हूँ। वाह वाह, क्या बात, काम भी कर रही हूँ, दोनों हैंडल। तो अभी मतलब, अच्छा, अभी तक भोजपुरी में आपको सबसे बढ़िया किन के साथ काम करने का मजा आया, जिनके साथ लगा कि नहीं कुछ अट्रैक्टिव लगा ऐसा कि नहीं इनके साथ बहुत मजा आया? सिंगर में पूछ रहे हैं? हमको सबके साथ, सब ज्यादा हम गोलू गोल्ड के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। गोलू गोल्ड, हाँ, उनके साथ हम काम किए, बहुत अच्छा था। अच्छा। नवीन जी सर थे डायरेक्टर में, नवीन सर, हाँ नवीन सर। अच्छा। और बहुत अच्छा शूट किए, बहुत अच्छा उनका डांस है, बहुत मैं आई थी, मैं बहुत डर गई थी, मेरे को कुछ नहीं आती थी, लेकिन मेरे को हैंडल इतना अच्छे से किए कि बस पूछिए मत, धमाल मच गया। अभी मैं धीरे धीरे इंडस्ट्री में खेल गई, और सब लोग कंटिन्यू मेरे को अपलाइन करते हैं, कभी फ्री होती ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप भोजपुरी में इतना, कॉपीराइट मारते मत मारिएगा, क्योंकि भाई हम इंटरव्यू कर रहे हैं और शूटिंग उधर चल रहा है, तो भाई प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपीराइट मत मारिएगा। अभी मैं जा ही रही हूं, अभी जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए। तो चलिए, फिर थोड़ा सा देखते हैं, टाइम मिलेगा तो फिर आपसे बातें करेंगे।
एक बार थोड़ा सा मेरे चैनल को रविशंकर ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही प्यार दें उनको, ठीक है? बाय गाइस, मेरे तरफ से सब पहले भी थैंक यू। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से गोल्डन गार्डन से हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं मतलब घर। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।